सो हेलो गाइज, कैसे आप लोग? और स्वागत है आपका हमारे एक और नए और फ्रेश वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो बस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज योर लाइक्स इन फ्री फायर गेम। सो गाइज, अगर आप भी अपने लाइक्स को इंक्रीज करना चाहते हो और गाइज अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो गाइज बस इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। और गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिन में 100-200 लाइक तो आसानी से इंक्रीज हो जाएंगे। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको लाइक बढ़ाने के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। और गाइज, इनमें से जो नंबर 1 पॉइंट है ना गाइज, वो गाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, उसको अगर आपने नहीं देखा तो गाइज आपने कुछ भी नहीं देखा। इसके लिए आपको गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और गाइज, जो फर्स्ट पॉइंट है ना गाइज, वो मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा। सो गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। सो गाइज, हमारा 5वां पॉइंट है यूनिक ड्रेसअप। सो गाइज, आपको ऐसे ड्रेस को पहन के खेलना है जो कि बहुत कम प्लेयर्स के पास हो और गाइज थोड़ा सा रेयर ड्रेस हो। सो गाइज, इससे क्या होता है, अगर आप किसी एनिमी को मार देते हो तो गाइज वो आपका ड्रेसअप देख के भी आपको लाइक दे सकता है। सो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओल्ड ड्रेस पहनना है और गाइज ऐसा ड्रेस पहनना है जो कि बहुत ही कम प्लेयर्स के पास हो। सो गाइज, आप ब्लू आर्टिक बंडल पहन के खेल सकते हो या गाइज आप ब्रेक डांसर बंडल पहन के भी खेल सकते हो। सो गाइज, अगर आपके पास मतलब रेयर ड्रेसअप नहीं है तो गाइज आप कुछ कॉम्बिनेशन बना के भी, इस तरीके से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना के भी अपना ड्रेसअप बना सकते हैं। और गाइज, अपने उसी ड्रेसअप के साथ आपको हर एक मैच में खेलना है जिससे कि आपको अच्छे खासे लाइक भी मिल सकते हैं। सो गाइज, हमारा अगला पॉइंट है बेस्ट अवतार एंड बैनर। सो गाइज, आपको ऐसा अवतार एंड बैनर पहन के खेलना है जो कि गाइज थोड़ा सा रेयर हो और गाइज थोड़ा सा पुराना हो। सो गाइज, इससे भी आप लाइक ले सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी ट्रिक है। सो गाइज, अगर आप किसी एनिमी को मारते हो तो गाइज उसको आपका अवतार एंड बैनर दिखता है सबसे पहले। और गाइज, अगर आपका अवतार एंड बैनर थोड़ा सा रेयर होता है, थोड़ा सा पुराना होता है, सो गाइज वो आपको आपका अवतार एंड बैनर देख के भी लाइक दे सकता है। इसके लिए आपको ऐसा अवतार एंड बैनर पहन के खेलना है जो कि थोड़ा सा रेयर हो और गाइज थोड़ा सा ओल्ड हो। सो गाइज, ये तो हो गए हमारे 2 पॉइंट्स जो कि होप कर तो आपको अच्छे लगे होंगे। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ जो कि शो योर रैंक और हाइड योर रैंक। सो गाइज, ये जो ऑप्शन है ना गाइज, ये आपको कलेक्शन में मिल जाएगा। और गाइज, इसको कब ऑन और ऑफ करना है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। सो गाइज, अगर आपका लेवल 70 है और उससे ऊपर है तो गाइज इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। सो गाइज, इससे क्या होगा, अगर आप किसी एनिमी को मार देते हो तो गाइज उसको आपका लेवल दिखेगा ना कि आपका रैंक दिखेगा। अगर इससे आपको एक फ़ायदा मिलता है, अगर आपका लेवल ज़्यादा होता है और गाइज आपका रैंक कम होता है तो गाइज इस ऑप्शन को आपको ऑफ कर देना है। और गाइज, अगर आपका लेवल 50 या 60 के बीच में है और गाइज आपका रैंक हीरोइक पे या मास्टर पे है तो गाइज इस ऑप्शन को आपको टिक कर देना है जिससे कि एनिमी को आपका रैंक दिखेगा ना कि लेवल दिखेगा। और गाइज, इससे भी आपको लाइक दे सकता है। सो गाइज, हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है इमोट। सो गाइज, इमोट एक गेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और गाइज इस पार्ट का आप यूज करके भी लाइक्स ले सकते हैं। सो गाइज, अगर आप किसी एनिमी को मार देते हो तो गाइज आपको ऐसे इमोट्स दिखाना है जिससे कि एनिमी को लगे कि ये बंदा हमको मार के मतलब इसको अच्छा नहीं लगा, ऐसा आपको कुछ दिखाना है जिससे कि वो एनिमी आपको लाइक दे सके। सो गाइज, बहुत बंदे क्या करते हैं, एनिमी को मारने के बाद लॉल इमोट दिखा देते हैं तो गाइज वो सामने वाला बंदा है ना गाइज वो गाइज पूरा गाली दे देता है और गाइज पूरा चिढ़ जाता है एनिमी के ऊपर। और गाइज, इससे वो आपको लाइक तो छोड़ो, वो आपको रिपोर्ट करके भी कुछ बंदे चले जाते हैं, साले कुत्तों की जिंदगी। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, इमोट का भी सही तरीके से यूज़ करना है। आपको ऐसे इमोट्स दिखाने हैं जिससे कि एनिमी को लगे कि ये गाइज बंदा मतलब अच्छा बंदा है, जेन्युइन बंदा है और गाइज इसने हमको मारा तो गाइज ये अच्छी बात है। और गाइज, आपको क्या करना है, इमोट अगर आपके पास नहीं है तो गाइज आपको उठक बैठक करनी है, गाइज लेट जाना है इससे कि एनिमी को लगे कि ये बंदा अच्छा है और गाइज अच्छा खेलता है और गाइज इससे वो आपको लाइक भी देके चला जा सकता है। भाई साहब, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, चुप, बिल्कुल चुप। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट नंबर पॉइंट की तरफ। सो गाइज, हमारा पहला पॉइंट है ट्रेनिंग। सो गाइज, आपको क्या करना है, ट्रेनिंग मैच लगा देना है स्क्वाड मोड में। और गाइज, स्क्वाड मोड में ट्रेनिंग मैच लगा देने के बाद आपको गाइज किसी एक जगह पे जाना है सभी बंदों को जो कि आपके स्क्वाड के अंदर है। और गाइज, फिर क्या करना है, आपको सभी बंदों को मारना है। फिर गाइज, सभी बंदों को मारने के बाद वो बंदे आपको लाइक देंगे और गाइज
आपको भी उनके हाथ से मर जाना है। इससे गाइस क्या होता है, दोनों का फायदा होता है और गाइस दोनों को आसानी से लाइक मिल जाते हैं और गाइस इससे आपके लाइक बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और गाइस बहुत बंदों ने इस ट्रिक का यूज़ करके अपने लाइक्स को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया है। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, क्लैश स्क्वाड मैच लगा देना है और गाइस क्लैश स्क्वाड मैच लगा देने के बाद आपको क्या करना है, एक दूसरे को लाइक देना है। तो गाइस इससे क्या होता है, आपको 3 लाइक मिलेंगे। फिर गाइस आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद जो प्रोफाइल होता है ना गाइस वहाँ पे भी आप लाइक दे के अपने लाइक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, होप करता हूं आपको अच्छा लगा होगा।